ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे ओबीसी संगठन के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिवराज सरकार के वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि ओबीसी के नाम पर प्रदेश के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है। इस पूरे कथित आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। पिछड़ा वर्ग के हितों पर कुठारघात करने का काम कांग्रेस ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 5 बार हाईकोर्ट जाकर किया है। उनकी वजह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी है और अब राजनीति की जा रही है। ओबीसी वर्ग के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश की सरकार ने ओबीसी के कल्याण के लिए और ओबीसी के हित के लिए सारे निर्णय लिए हैं, तब लोग ओबीसी के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? सरकार ने ओबीसी को नौकरियों में 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी हम लोगों ने 3 विषयों को छोड़कर बाकी विषयों में नौकरियों में 27% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, जो कभी आज तक नहीं हुआ। हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए हमने विधेयक में प्रावधान किया, जिसके खिलाफ कांग्रेस 5 बार हाईकोर्ट गई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट गई, और कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने के कारण ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगी। उस आरक्षण पर रोक के बावजूद भी हमारी सरकार ने किसी भी कीमत पर ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आदेश के बावजूद भी हम लोगों ने कैबिनेट से वो ऑर्डिनेंस वापस लिया, जिस कारण से पंचायत चुनाव रुक सके। तो ओबीसी का चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण हो, और यहाँ तक नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा ओबीसी समाज की तरफ से, धन्यवाद करूंगा कि हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार ने हमारे देश के जाने माने अधिवक्ता हरीश सालवे जी के माध्यम से हम अपना ये पक्ष रख रहे हैं, जिस पर 3 तारीख को सुनवाई होगी, 3 जनवरी को, और उसमें हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी की आबादी 52% से ज्यादा है, और इसलिए ओबीसी के लोगों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो पंचायत चुनाव में राजनीतिक रूप से ओबीसी का नेतृत्व पिछड़ जाएगा। हम मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रख रहे हैं। मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने एक अभिभावक के रूप में राज्य के निर्णय लिया कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होगी, और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता जी के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार भी ये पक्ष रखेगी कि सरकार को मौका दिया जाए, जिससे सरकार चार माह के अंदर ओबीसी के जो आंकड़े हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, ये राज्य सरकार न्यायालय में रख सके। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कल कही जाएगी। साथ में जो हमारे ओबीसी समाज के संगठन के लोग हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। सब तरह से सरकार
ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध है। जो काम हमारी सरकार ने ओबीसी के लिए जो निर्णय लिए हैं वो अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक है, और उसके बाद राजनीति करना, ओबीसी के नाम पर दूसरे संगठनों को जोड़ना, दूसरे समाज के लोगों को जोड़कर और राजनीतिक वातावरण या प्रदेश का वातावरण खराब करने का षड्यंत्र कांग्रेस के सारे पर हो रहा है। इसके पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रही है। मैं ओबीसी समाज के सब संगठनों से, बंधुओं से आग्रह करता हूं कि वो राजनीतिक मोहरा ना बने। जो काम हमारी सरकार ने किया है ओबीसी का, वो ओबीसी के लिए वो आज तक नहीं हुआ है, और इसलिए सरकार का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और ओबीसी समाज के संगठनों से भी आग्रह करते हैं, समाज के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वो सरकार का धन्यवाद करें, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक पहल की है, निर्णय लिया है। ये मेरा आग्रह। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।